कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब लाखों में निकल कर सामने आ रही है, उसके बाद भी लोग सतर्क नहीं हो रहे। लगातार कोरोना मामलों में उछाल आना चिंताजनक होता जा रहा है। देश की बात की जाए तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,64,202 नए मरीज सामने आए हैं। ये आंकड़ा गुरुवार के मुकाबले 6.7% ज्यादा है। भारत में अभी भी कोरोना का संक्रमण दर 14.78% हो गया है। फिलहाल देश में नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन के मामले 5,753 हैं। देश में आज गुरुवार से 16,785 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। फिलहाल देश में एक्टिव मामलों की संख्या 12,72,073 है। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 315 लोगों की जान भी जा चुकी है। अब तक देश में कोरोना की वजह से 4,85,350 लोगों की जान गई है। आपको बता दें कि गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के संग बैठक की थी। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। मीटिंग में कोविड-19 से निपटने की तैयारियों और वैक्सीनेशन पर खास चर्चा की गई थी।